हेलो गाइस, सो अभी हम निकल रहे हैं कूर्ग से बेंगलोर की ओर अपने घर टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स जो कि है एक्सजेड प्लस लक्स डार्क एडिशन। टोटल डिस्टेंस जो दिखा रहा है अभी घर का वो है 256 किलोमीटर मडिकेरी से बेंगलोर तक। अभी हमारा जो करंट एसओसी है वो 99% है एंड रेंज जो दिखा रहा है प्रोजेक्टेड वो है 364 किलोमीटर्स। सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू चार्ज एट टाटा पावर चार्जिंग स्टेशन विच इज़ अ 30 किलोवाट चार्जिंग स्टेशन इन मडिकेरी। अभी हम यहाँ से निकलते हैं एंड अराउंड 100 किलोमीटर्स के बाद एक ब्रेक लेंगे अपने ब्रेकफास्ट एंड कॉफ़ी वगैरह के लिए। तो मेरा फोकस थोड़ा रहेगा अभी कि मैं अपना किलोवाट आवर है जो बढ़िया निकालने की कोशिश करूँगी, बिकॉज बीच में काफ़ी डाउनहिल भी आएगा, सो रीजन का अच्छा यूज़ कर सकता हूँ मैं। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रिप एंड मुझे लगता है कि अभी मुझे बोल देना चाहिए कि आई एम नॉट अ वेरी अग्रेसिव ड्राइवर, मैं बहुत ही आराम से चलाता हूँ एंड राइट नाउ आई एम ट्रैवलिंग विद माई वाइफ। इसलिए नहीं बिकॉज मेरे पास ईवी है सो मुझे आराम से चलाना है, बट मेरे पास जो घर पे भी पेट्रोल व्हीकल भी है उसको मैं बहुत ही आराम से चलाता हूँ। आई लाइक टू एन्जॉय माई ट्रिप्स विद लिटिल लाउड म्यूजिक एंड मॉडरेट स्पीड। वेल हेलो अगेन, सो अभी हम रुके हैं यहाँ कंतारा इन रेस्टोरेंट में कुछ ब्रेकफास्ट एंड कॉफ़ी के लिए। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे एंड अराउंड हाफ एन आवर में अपनी जर्नी दोबारा स्टार्ट करेंगे। जो रेस्टोरेंट है एकदम हाईवे के ऊपर है, काफ़ी साफ सुथरा था इसलिए हमने गाड़ी रोकी साइड पे। अभी यहाँ तक हमने कवर किया है 92 किलोमीटर्स, इतना डिस्टेंस हम अराउंड 20% एसओसी में आए हैं एंड अभी आप देखिए कि मैं 85 किलोवाट आवर मेंटेन कर पाया ड्यू टू प्रॉपर यूज़ ऑफ रीजन। अभी जो रेंज रिमेनिंग दिखा रहा है प्रोजेक्टेड वो है 318 किलोमीटर्स। तो अभी हम निकल रहे हैं बेंगलोर की तरफ वापस, लेट्स गो। सो गाइज, अभी हम चल रहे हैं मैसूर बेंगलोर एक्सप्रेसवे पे। तो मैंने अभी थोड़ी स्पीड कम की है अपनी वीडियो बनाने के लिए। अभी आप देख सकते हैं बैटरी हमारी है 72%, सो हमने 72% बैटरी पे रिमेनिंग पे बेंगलोर मैसूर हाईवे टच कर लिया है। किलोवाट आवर मैं 87 किलोवाट ही मेंटेन कर पा रहा हूँ एंड हमने अभी तक 121 किलोमीटर्स कवर कर लिया है। रेंज जो प्रोजेक्टेड है अभी एमआईडी में वो है 304 किलोमीटर्स और रीजन मैं अभी सेट कर रखा है मैंने लेवल 1 पे। सो अभी मैं स्पीड बढ़ाऊंगा और 70-75 किलोमीटर पर आवर पे हम क्रूज़ करेंगे। इस एक्सप्रेसवे की जो स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर्स है, तो मैं मिडिल लेन में ही रहना पसंद करता हूँ। मिडिल लेन की जो स्पीड लिमिट है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं 75 तक क्रूज करूंगा एंड अभी आपको डिटेल दूंगा सीधा घर पहुंचकर। वेल हेलो गाइस अगेन, सो अब मैं घर पहुंच चुका हूं। एग्जैक्टली 30% एसओसी रिमेनिंग पर मैं घर पहुंच गया हूं। हमने कवर किया है डिस्टेंस 268.2 किलोमीटर और एक्सप्रेसवे पे मैंने 70-75 किलोमीटर की स्पीड मेंटेन की। वॉट आवर पर किलोमीटर जो है वो अराउंड 100 पर मैं मेंटेन करके रख पाया एंड जो अभी रेंज दिखा रहा है एट 30% एसओसी वो है 101 किलोमीटर्स, जो इस वॉट आवर किलोमीटर के हिसाब से दिखा रहा है। तो इतने एसओसी पे मैं अभी 2 दिन और ऑफिस जा सकता हूँ अपने। हमारा टोटल ट्रिप जो रहा बेंगलोर जाकर, कूर्ग जाकर एंड कूर्ग में थोड़ा घूमने के बाद कूर्ग से वापस बेंगलोर का, वो रहा हमारा 575.2 किलोमीटर्स। सो यस, ओवरऑल वेरी नाइस जर्नी, आई लव दिस व्हीकल, मुझे बहुत ही मज़ा आता है इसको ड्राइव करने में एंड मैं कोई मौका छोड़ता नहीं हूँ कि मुझे बाहर जाने का मौका मिले इस अपने व्हीकल में।
सो यस दैट वाज इट गाइस, अपनी नेक्सॉन ईवी मैक्स के साथ मैं और भी वीडियोस में लेकर आऊँगा. सो या आई विल सी यू.